Very good afternoon, dear students. Hope you all are fine at your places. बेटा, आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अल्ट्रासोनिक वेव्स और स्किन जनरेशन के बारे में, जिसमें हम तीन तरह के जनरेटर्स को डिस्कस करेंगे। खासतौर पे जो जनरेटर्स सिविल इंजीनियरिंग या फिर इंजीनियरिंग ब्रांचेस को पढ़ने होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर AICTE सिलेबस, उसमें पीजोइलेक्ट्रिक जनरेटर और मैग्नेटोस्ट्रिक्शन जनरेटर होता है। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, BSc ऑनर्स पढ़ रहे हैं, तो उनके पास इन एडिशन टू दीज टू जनरेटर्स उनको गैल्टन विसल जनरेटर भी पढ़ना होता है। तो हम आज के टॉपिक में एक तो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं क्या, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और फिर एक एक करके पार्ट वाइज जनरेटर्स को डिस्कस करेंगे कि तीन तरह के जनरेटर्स हैं क्या। अब जैसे BSc ऑनर्स वालों को गैल्टन विसल है तो गैल्टन विसल का यहाँ से तैयार करेंगे, और बाकी के जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं जिनको गैल्टन विसल नहीं चाहिए वो बाकी के दो लेक्चर्स जो हैं, जो टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जिसमें पीजोइलेक्ट्रिक जनरेटर और मैग्नेटोस्ट्रिक्शन जनरेटर, वो उसको यहाँ से पढ़ेंगे। तो ये वीडियो जो है ये ओवरऑल अल्ट्रासोनिक वेव्स और जनरेटर्स को क्या करेगा, कवर करेगा। लेट्स स्टार्ट विद। तो सबसे पहले हम टॉपिक लेने लगे हैं वो आपके पास है कि अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं क्या। अब देखो बेटा, अल्ट्रासोनिक वेव्स की अगर मैं बात करूं तो ये अल्ट्रासोनिक वेव्स, देखिए जो हमने टॉपिक में ऊपर की तरफ दिखाया भी है तो हम अभी सिर्फ अल्ट्रासोनिक वेव्स को ही डिस्कस कर रहे हैं। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है ये आपके पास साउंड वेव का ही टाइप है। दीज आर द साउंड वेव्स। और आपने ऑलरेडी इससे पहले वेव्स एंड ऑसिलेशंस में साउंड वेव को डिटेल में पढ़ा है, और साउंड वेव को जब हमने डिस्कस किया था बेटा तो आपको पता था कि भाई हमने साउंड वेव को डिस्कस किया है अंडर द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर। हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को डिस्कस किया था अंडर द मैकेनिकल वेव्स, वो वेव्स जिनको मीडियम की जरूरत होती है। तो उन वेव्स में एक हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव कहा था, दूसरा हमने ट्रांसवर्स वेव कहा था। लेकिन जब हम लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल वेव का जो सबसे बेस्ट एग्जांपल हमने डिस्कस किया था वो हमने कहा था सबसे बेस्ट एग्जांपल उसका साउंड वेव है। तो बात आती है अल्ट्रासोनिक वेव्स फिर हैं क्या। बेटा अल्ट्रासोनिक वेव्स भी साउंड वेव्स ही हैं, लेकिन कुछ खास रेंज की। मैं कहूँ कि सारी की सारी साउंड वेव जो है अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं, नो। आपके पास कुछ खास रेंज है अल्ट्रासोनिक वेव की, जिस रेंज में वो आती हैं साउंड वेव के, जिनको हम अल्ट्रासोनिक वेव्स कह रहे हैं। तो फिर अल्ट्रासोनिक वेव्स को हम डिफाइन कैसे करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम ह्यूमन ईयर के बारे में। देखो बेटा, जो गॉड ने हमें क्रिएट किया है, गॉड ने हमें कुछ लिमिटेशंस असाइन की हैं। अगर मैं गॉड की लिमिटेशंस की बात करूं तो हमारी विजिबिलिटी में भी कुछ लिमिटेशंस हैं। अगर आपने 12th स्टैंडर्ड में, जैसे 12th स्टैंडर्ड के बाद आप इंजीनियरिंग में आते हैं या BSc ऑनर्स 12th की बात कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि 12th में आपके पास एक मेन चैप्टर था अल्ट्रासोनिक वेव्स बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर। बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आपने देखा होगा, आपने रेडियो वेव्स को पढ़ा, आपने माइक्रोवेव्स को पढ़ा, आपने इंफ्रारेड को पढ़ा, फिर आप पूरा विजिबल रीजन पढ़ते हैं, फिर अल्ट्रावायलेट रीजन पढ़ते हैं, फिर एक्सरेज पढ़ते हैं और फिर गामा पढ़ते हैं। तो ये जो पैटर्न आपने पढ़ा, उस पैटर्न में आप देखिए ह्यूमन आई सिर्फ विजिबल रीजन को ही देख पाती है, लेकिन हम विजिबल रीजन के बियॉन्ड बिल्कुल नहीं देख पाते। ना तो मैं माइक्रोवेव को देख पा रहा हूं, ना ही मैं रेडियो वेव्स को देख पा रहा हूं, ना ही मैं इंफ्रारेड को देख पाता हूं। मीन सेम इज द विद यू पीपल। इसी तरह से अगर मैं वायलेट रीजन के बियॉन्ड की बात करूं, ये तो रेड रीजन के बियॉन्ड की बात थी, अगर मैं वायलेट रीजन के बियॉन्ड की बात करूं तो आप ना तो अल्ट्रावायलेट को देख पाते हैं, ना ही एक्स रेज को, ना ही गामा रेज को। तो गॉड ने हमें देखने में भी क्या की है, लिमिट दी है। सिमिलरली गॉड ने हमें सुनने में भी लिमिट प्रोवाइड की है। तो ह्यूमन ऑडिबिलिटी लिमिट जो है, गॉड ने जो हमें ईयर्स दिए हैं उसका एक प्रॉपर रेंज है। वो प्रॉपर रेंज है क्या बेटा? वो जो प्रॉपर रेंज है वो है इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर मैं बात करूं तो आपके पास 20 हर्ट्ज से लेके हम सिर्फ 20 किलो हर्ट्ज तक की साउंड वेव को सुन सकते हैं। मीन्स ये जो रेंज मैं आपको बता रहा हूं
20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक, ये ह्यूमन ऑडिबिलिटी रेंज है। इसको मैं लिख रहा हूं ह्यूमन ऑडिबिलिटी रेंज। हमारे कान जो है इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, अगर मैं साउंड वेव को फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में स्टडी करूं तो फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में मैं कह रहा हूं कि हमारे कान सिर्फ 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक को ही सुन सकते हैं। इस पर्टिकुलर ह्यूमन ऑडिबिलिटी रेंज को हम यहां पर नाम देते हैं ऑडियो वेव्स। क्या नाम देते हैं? ऑडियो वेव्स। तो ये सिर्फ ऑडियो वेव्स नहीं कहलाती, आपके पास इनको ऑडियो वेव्स के अलावा हम इनको समटाइम्स लो फ्रीक्वेंसी वेव्स भी कहते हैं, या फिर आप इसी रेंज को म्यूजिक भी कह सकते हैं बिकॉज दिस कम्स अंडर व्हाट द म्यूजिक, या फिर आपको इसी पर्टिकुलर वेव्स को आपके पास हम अनदर नेम दे रहे हैं जिनको हम कहते हैं सोनिक, SONIC, सोनिक वेव्स। तो आप देखिए आपके पास इनके डिफरेंट नेम है, मींस ये है साउंड वेव ही, लेकिन वो साउंड वेव जिनका फ्रीक्वेंसी रेंज 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक का है, तो हम इन साउंड वेव को प्रॉपर नेमिंग दे रहे हैं, इनको हम ऑडियो वेव्स कह रहे हैं, मींस जिसमें हम आपसे बात कर रहे हैं। नो डाउट मेरे और आपके बीच में जो बात हो रही है उसका फ्रीक्वेंसी रेंज 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच का ही है। अब वो है कितना, वो हम इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने इसको डिफरेंट टर्मिनोलॉजी में हमने स्टडी किया, हमने इनको लो फ्रीक्वेंसी वेव्स कहा, हमने इनको म्यूजिक कहा, हम इसको ट्यून भी कह सकते हैं, हम इनको सोनिक वेव्स भी कह सकते हैं। लेकिन बात आती है उन साउंड वेव्स की जिनका फ्रीक्वेंसी, देखिए हम फ्रीक्वेंसी को अगर न्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं वो साउंड वेव जिनका फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है, मीन्स ये वाला रीजन जिसको मैं यहां पर ग्रीन कलर के साथ दिखाता हूं। अब देखिए ये वाला साउंड रीजन जो आपके पास 20 हर्ट्ज की बैक साइड मीन्स नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ अगर जाऊं, मीन्स इस पर्टिकुलर रेंज से अगर मैं जहां से ये वेव शुरू हो रहा था, जहां मैंने 20 हर्ट्ज लिखा है, अगर मैं इसके लेफ्ट साइड में जाता हूं फ्रीक्वेंसी इस तरफ क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अगर मैं राइट साइड जाता हूं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, और अगर मैं 20 किलो हर्ट्ज के बियॉन्ड जाता हूं टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस फ्रीक्वेंसी और बढ़ रही है। तो मैं कह रहा हूं वो साउंड वेव जिनका फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है, इन पर्टिकुलर साउंड वेव्स को हम एक अनदर नेम देते हैं, इनको हम कहते हैं इंफ्रा सोनिक वेव्स। तो ध्यान रखिएगा बेटा इंफ्रा सोनिक वेव्स कौन सी हैं? वो साउंड वेव्स जिनका फ्रीक्वेंसी रेंज 20 हर्ट्ज से कम है। अब बात आती है कि भाई हमारे पास तो साउंड वेव वो भी है जो 20 हर्ट्ज के बियॉन्ड है, जो आपके पास इस पर्टिकुलर रेंज, ध्यान रखिएगा 20 किलो हर्ट्ज जो मैंने रेंज बताई है जहां तक हम सुन पा रहे थे, मैं उसके बियॉन्ड की बात कर रहा हूं। हमारे पास तो वो साउंड वेव्स भी हैं जिनका फ्रीक्वेंसी रेंज 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा होगा। इन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करूं, विच इज हैविंग द फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज, इन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वेव हम यहां पर अनदर नेम दे रहे हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज द अल्ट्रा सोनिक वेव्स। तो ध्यान रखिएगा बेटा हमारे पास, हमने पूरी साउंड वेव्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। हमने कहा हम जो सुन पा रहे हैं फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में, वो हम सुन पा रहे हैं सिर्फ 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक, हमने उनको नाम दे दिया सोनिक वेव्स। हमने कहा हमारे पास वो साउंड वेव्स भी हैं जो हमारी मिनिमम ऑडिबिलिटी रेंज 20 हर्ट्ज से भी बिलो हैं, मींस 20 हर्ट्ज से कम वाली फ्रीक्वेंसी के, उनको हमने क्या नाम दे दिया, इंफ्रासोनिक। लेकिन बेटा ध्यान रखिएगा ना तो हम इंफ्रासोनिक को सुन पा रहे हैं ना ही हम अल्ट्रासोनिक वेव्स को सुन पाते हैं। क्यों? क्योंकि गॉड ने हमें ह्यूमन ऑडिबिलिटी जो रेंज दी है वो सिर्फ 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक की है। तो आपके पास वो साउंड वेव्स जिनका फ्रीक्वेंसी रेंज 20 हर्ट्ज से कम है ना तो हम उनको सुन पा रहे हैं, और जिन पर्टिकुलर साउंड वेव का फ्रीक्वेंसी रेंज 20 किलो हर्ट्ज से बियॉन्ड है मीन ज्यादा है, हम ना उनको सुन पा रहे हैं। तो इसलिए बोथ इंफ्रासोनिक एज वेल एज अल्ट्रासोनिक आर इनऑडिबल टू अस। ध्यान रखिएगा दिस इज ऑल्सो इन ऑडिबल एंड दिस इज ऑल्सो इन ऑडिबल। तो ध्यान रखिएगा बेटा इसका मीनिंग है कि अगर आपके पास शॉर्ट टर्म्स में क्वेश्चन आ जाता है कि हाँ भाई अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं क्या,
अब आपको क्लियर हो गया है कि अल्ट्रासोनिक वेव्स साउंड वेव्स ही हैं, और लेकिन वो साउंड वेव्स जिनका फ्रीक्वेंसी रेंज 20 किलो हर्ट्ज के बियॉन्ड है, मींस ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज है। इसलिए हम इसको कह सकते हैं दीज आर दो साउंड वेव्स विच आर हैविंग द फ्रीक्वेंसी रेंज अबव द ह्यूमन ऑडिबिलिटी रेंज, या फिर हम कह सकते हैं दीज आर दो साउंड वेव्स विच आर हैविंग द फ्रीक्वेंसी रेंज ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज। आई होप कि आपको अल्ट्रासोनिक वेव्स के बारे में पता चला होगा कि अल्ट्रासोनिक वेव्स होती क्या है। अब देखिए बेटा, इन्हीं अल्ट्रासोनिक वेव्स को हम डिफाइन फिर कैसे करेंगे। इन अल्ट्रासोनिक वेव्स को डिफाइन करने के लिए मैंने यहां पर आपके पास मैंने ये एक पिक्चर यहां पर लिया है। इस पिक्चर को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इस पिक्चर को मैंने कॉपी किया है फ्रॉम दैट ऑफ द बुक रिटन बाय माय टीचर डॉक्टर के शर्मा, दैट इज ऑन वेव्स ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर बीएससी पार्ट सेकंड जम्मू यूनिवर्सिटी के लिए, और ये शर्मा पब्लिकेशन जालंधर की तरफ से है। तो मैंने उसी का स्नैपशॉट यहां से उठाया ताकि आपको अगर इस बुकलेट को देखना भी है तो आप उस बुकलेट को भी क्या कर सकते हैं, कंसिडरेशन में ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर मैं बात करता हूं अल्ट्रासोनिक वेव्स की, तो अल्ट्रासोनिक वेव्स हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है वो आपके पास ऐसी साउंड वेव है जिनका फ्रीक्वेंसी रेंज 20 किलो हर्ट्ज के बियॉन्ड है। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं फ्रीक्वेंसी रेंज 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, तो ये आपके पास ऑडिबल रेंज कहलाती है, बिकॉज दीज फ्रीक्वेंसीज कैन बी डिटेक्टेड बाय ह्यूमन ईयर। हमारे कान इन साउंड वेव्स को क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूं साउंड वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज, तो हमने उनको क्या नाम दिया है, इंफ्रासोनिक। और ध्यान रखिएगा, इंफ्रासोनिक का सबसे बेस्ट एग्जांपल्स कौन से हैं, आपके पास अर्थक्वेक्स। बेटा अर्थक्वेक जो होता है उनका जब टेक्टोनिक प्लेट्स जब आपके पास शिफ्ट होती हैं, तो टेक्टोनिक प्लेट्स की शिफ्टिंग के कारण जो साउंड वेव्स जनरेट होती हैं, आप देखिए वो साउंड वेव्स का फ्रीक्वेंसी रेंज जो होता है वो 20 हर्ट्ज के बिलो होता है। इसलिए ह्यूमन बींग्स डिटेक्ट नहीं कर सकते, या फिर ह्यूमन बींग्स डिटेक्ट नहीं कर सकते कि आपके पास अर्थ आने वाला है या नहीं। लेकिन दीज आर द साउंड वेव्स, ऐसी इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स जो होती हैं, दीज कैन बी इजिली डिटेक्टेड बाय व्हाट, बाय बर्ड्स एज वेल एज सम एनिमल्स, पर्टिकुलरली जैसे हम डॉग्स की बात करें या फिर डिफरेंट स्पीशीज ऑफ व्हाट बर्ड्स की बात करें, तो वो इन साउंड वेव को क्या कर लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं। आपने रिसेंटली देखा होगा जब तुर्की में अर्थक्वेक आया था, तो इस तरह के बिहेवियर बर्ड्स ने या एनिमल्स ने पहले शो किए थे, जिनके बिहेवियर के कारण हम ये जज कर सकते थे कि आपके पास इन नेक्स्ट कमिंग टाइम आपके पास कोई अर्थक्वेक आ सकता है। तो जब भी आप इस तरह का स्ट्रेंज बिहेवियर देखें एनिमल्स का, या जब भी आप स्ट्रेंज बिहेवियर देखें बर्ड्स का, तो आप देख लीजिएगा, आप डिटेक्ट कर लीजिएगा कि आपके पास पॉसिबिलिटी ऑफ अर्थक्वेक के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब देखिए बेटा, अब अगर मैं बात करूं साउंड वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसीज अबव 20 किलो हर्ट्ज, तो हमने उनको क्या नाम दे दिया, हमने उनको नाम दिया है अल्ट्रासोनिक वेव्स। अब हमने कहा ना तो हम इंफ्रासोनिक को सुन पाते हैं और ना ही हम अल्ट्रासोनिक को, तो इसलिए ह्यूमन ईयर इज नॉट सेंसिटिव टू दीज वेव्स, ऑल्दो डॉग्स एंड बैट्स आर सेंसिटिव टू सच पर्टिकुलर रेंज ऑफ दीज वेव्स। तो ध्यान रखिएगा, मैं कहूं कि डॉग्स हमेशा इस पर्टिकुलर रेंज को सेंसिटिव है, ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज की सभी फ्रीक्वेंसी रेंज को वो सुन लेते हैं, लो उनका भी एक पर्टिकुलर ऑडिबिलिटी रेंज है, पर लेकिन ह्यूमन बीइंग के मुकाबले वो रेंज थोड़ा सा एक्सटेंडेड है। वो इंफ्रा भी सुन पा रहे हैं, वो अल्ट्रा भी सुन पा रहे हैं, पर लेकिन मैं कहूं कि वो कंप्लीटली अल्ट्रा सुन पा रहे हैं या कंप्लीटली इंफ्रा भी सुन पा रहे हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज द गॉड हैज ऑल्सो गिवन वॉट द ऑडिबिलिटी रेंज टू द ईयर्स ऑफ दीज एनिमल्स टू। और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो आपके पास अल्ट्रासोनिक वेव्स का जो डे टू डे लाइफ में आप देखते हैं, वो कहां पर देखते हैं, आमतौर पर आपने देखा होगा जब आप मार्केट में साइकिल चलाते हैं या फिर बाइक चलाते हैं, और स्पीड में जब आप उसको रन करते हैं, तो ज्यादा स्पीड में रन करने के कारण आपके टायर्स, जो साइकिल के टायर है या बाइक का जो टायर है, जो वो हाई फ्रीक्वेंसी में जब रोटेट होता है, देखिए टायर का टर्न जो आपके पास घूम रहा है, टायर जब आप हाई फ्रीक्वेंसी में टर्न करेगा, तो वो जो आपके पास टर्न करने के कारण जो सराउंडिंग जो एयर है, इट सेट्स दैट पर्टिकुलर एयर इनटू वाइब्रेशन। तो आपके पास एयर के मॉलिक्यूल जब वाइब्रेट करते हैं, और अगर आपके पास वाइब्रेशन ऑफ दोज एयर मॉलिक्यूल्स ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज हो जाए, तब वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, अल्ट्रासोनिक वेव्स। बेटा वो साउंड वेव्स हम तो नहीं सुन पाएंगे, लेकिन वो साउंड वेव कहां तक पहुंचती है, उन एनिमल्स तक या उन स्ट्रे डॉग्स तक पहुंचती है। तो आमतौर पर आपने देखा होगा जब हाई स्पीड में कोई कार जाती है या हाई स्पीड में जब बाइक को रन करता है, तो आमतौर पर ये डॉग्स उस बाइक को या उस कार को चेज करते हैं। तो डॉग का कार को या बाइक को चेज करने का रीजन होता है कि वो
उसमें से प्रोड्यूस होने वाली साउंड वेव से वो इरिटेट होते हैं और वो चाहते हैं कि वो साउंड वेव स्टॉप हो। जैसे आमतौर पर हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव हमें भी इरिटेट करती हैं, तो सिमिलरली वो डॉग्स भी इरिटेट होते हैं, तो आमतौर पर बाइकर्स के पीछे या जो कार ड्राइवर होता है उसके पीछे वो भागते हैं। तो हमें लगता है कि शायद वो यानी कि कुछ अजीब तरह का डॉग है जो हमारे पीछे भाग रहा था, लेकिन उसके पीछे भी एक फिजिक्स है। साथ ही साथ इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं कि अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है उनका जो वेवलेंथ रेंज है वो आपके पास 1.7 सेंटीमीटर से बिलो है। तो आप खुद देखिए, अगर मैं यहां पर फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ की बात करूं, तो हमने कहा कि भाई जो वेवलेंथ है अल्ट्रासोनिक वेव्स का, दैट इज लैम्डा। जो वेवलेंथ है इसका, अल्ट्रा सोनिक वेव्स का, हमने कहा कि वो लेस देन 1.7 सेंटीमीटर है। 1.7 सेंटीमीटर बेटा, आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि जो वेलोसिटी होती है वो न्यू लैम्डा के बराबर है। तो अगर मैं इसको रीअरेंज करूं तो आप देखिए, आई कैन राइट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा। मैं अबव इक्वेशन को ही रीअरेंज करके ऐसा भी लिख सकता हूं, या फिर सिंपली मैं कह सकता हूं फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो मुझे बताइए, अगर लैम्डा बहुत छोटा है, 1.7 सेंटीमीटर लैम्डा जब छोटा है, मैं इसको एरो डाउन के साथ दिखा रहा हूं, तो मुझे बताइए जब लैम्डा छोटा होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। तो आप देखिए, आपके पास लैम्डा कम होने का मीनिंग है फ्रीक्वेंसी क्या है, काफी हाई है, और ये हाई फ्रीक्वेंसी किस रेंज में आ रही है? अल्ट्रासोनिक रेंज में आ रही है। और एक चीज और, आपने मैक्स प्लैंक्स एनर्जी रिलेशन पढ़ा है, वो कहता है E इज इक्वल्स टू एच न्यू, इट मीन्स E डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी न्यू। तो मुझे बताइए, अगर फ्रीक्वेंसी हाई है तो एनर्जी भी क्या होगी? हाई होगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये काफी हाईली एनर्जेटिक वेव्स हैं। कौन? अल्ट्रासोनिक वेव्स काफी हाईली एनर्जेटिक वेव्स हैं, और इसलिए आमतौर पर मटीरियल को क्या कर जाती है? पेनिट्रेट करती है। मटेरियल को पेनिट्रेट करने का रीजन जो है वो आपके पास अल्ट्रासोनिक वेव्स का क्या है? वो यही है। तो ध्यान रखिएगा, दे कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर द लॉन्ग डिस्टेंसेज विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी। देखो, जब एनर्जी ज्यादा होगी तो हम ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं। आपने पढ़ा हाई एनर्जी वेव जो होती है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन करती है, तो सिमिलर इज द केस विद द अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव्स का एनर्जी हाई है क्योंकि फ्रीक्वेंसी हाई है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और एनर्जी के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अभी अभी जस्ट मैंने बताया आपको, that is E is directly proportional to nu, according to that is Max Planck's energy relation, E is equals to h nu. So, मुझे बताइए, अगर frequency high होगा तो energy भी high होगा, और अगर energy high है तो long distance transmission भी क्या होगा? Possible होगा, and that is also without much loss of energy. इसमें loss of energy भी क्या होता है? कम होता है। I hope कि आज का video जो topic है concept of the ultrasonic waves उसके बारे में आपको समझ में जरूर आया हो। थैंक यू।